दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने लैपटॉप के चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप की जो चार्जर की पिन है वो अगर ख़राब हो जाती है तो आप उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो लैपटॉप का चार्जर होता है उसमें कोई पेच नहीं लगा हुआ होता है उसे ओपन करने के लिए, उसके अंदर एक पेस्ट लगी हुई होती है जो इन दोनों कवर को आपस में अटैच रखती है। तो इस पेस्ट को निकालने के लिए आपको एक हल्का सा पेट्रोल चाहिए थोड़ा सा। तो जैसे ही आप पेट्रोल लोगे इस पे हल्का सा गिरोगे इस तरह से, तो ये जो पेस्ट है ये हट जाएगी और जिससे हमारे जो लैपटॉप का जो चार्जर है चार्जर का कवर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक पेंचकस ले लेना है और पेंचकस से आपको इस पे हल्का सा इस तरह से बीच में रख लेना है और हल्का सा प्रेस करना है इस तरह से। इस तरह से जो हमारे लैपटॉप का जो चार्जर का कवर है ऊपर ऊपर का वो हट जाएगा। इस तरह से आप इसको हटा सकते हैं। उसके बाद आपने इन दो तारों को सोल्डरिंग की सहायता से निकाल लेना है इस तरह से। और आपको ये चीज जरूर याद रखना है कि आपने रेड वाली वायर और व्हाइट वाली वायर कहाँ पे लगी हुई है। तो इसी तरह से मेरे पास दूसरी वायर है तो मैं इसको सेम लगा के आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको लगा सकते हैं। उसके बाद आपको आप पहले वायर को छील लेना है हल्का सा इस तरह से। उसके बाद आपने जैसे ही रेड वायर इसमें से निकाल ली है सेम आपने इसको साफ कर लेना है पहले। तो इस तरह से पेस्ट कर देनी है। सेम आपको दूसरी वायर भी निकाल देनी है इसमें से। इस तरह से आपको चेंज कर देनी है वायर को। उसके बाद मैं आपको एक बार इसको चेक करा के भी दिखा देता हूँ आपको इसे कैसे चेक कर लेना है। नॉर्मली आपको अभी इसको फिट कर लेना है चेक करने के लिए। उसके बाद आपने इसे अपने मल्टीमीटर ले लेना है। उसके बाद आपको अपने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर लगा देना है। उसके बाद आपने इस तरह से आपको अपने मल्टीमीटर को चेक कर लेना है। मल्टीमीटर में यहाँ पर 19 वोल्ट शो कर देगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने खराब एडाप्टर को रिपेयर कर सकते हैं।